कहानी की शुरुआत में हम एक तालाब में एक लड़के को डूबे हुए देखते हैं। वो हमें बता रहा होता है कि वहाँ सिर्फ अंधेरा और बहुत तेज की ठंड थी। तब उसने चांद को देखा, उस पर उसकी चमकती हुई रोशनी पड़ी जिसने अंधेरे को भगा दिया और उसके बाद उसके अंदर का डर भी भाग गया। वो वहाँ क्यों था और उसकी जिंदगी का क्या मकसद था उसे कुछ भी नहीं पता। उसे वहाँ एक छड़ी मिली जिसे छूते ही उसमें कुछ मैजिकल पावर आ गई, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश था। वो हवा में भी उड़ सकता था। वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर उसने देखा कि पास में एक गांव है। वो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, पर बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि कोई भी इंसान उसे ना तो सुन सकता है और ना ही देख सकता है। उसका नाम जैक फ्रॉस्ट था, इतना ही उसे चांद ने बताया था। और इसी तरह लगभग 300 साल बीत गए। आगे हम नॉर्थ पोल को देखते हैं। वहाँ सेंटा अपना क्रिसमस गिफ्ट बनाने में लगा हुआ था। तभी वो वहाँ के ग्लोब में देखता है कि वहाँ की चमकती हुई लाइटें बंद होती जा रही है। ये लाइट्स इस बात का सबूत थी कि धरती पर रहने वाले लोग अब भी गार्डियंस पे भरोसा करते हैं। और जैसे जैसे वो लाइट्स बंद होती जा रही थी, मतलब अब वो उन पे भरोसा करना बंद करते जा रहे हैं। तभी सेंटा को वहाँ पिच ब्लैक दिखाई देता है, जो बच्चों को बुरे सपने और डर देता था। सेंटा को ये खतरे की घंटी लगती है। वो तुरंत अपने बाकी के गार्डियंस को बुलाता है, जिनमें से एक होता है ईस्टर बनी, जो ईस्टर फेस्टिवल के दिन सारे बच्चों के घर में रंग बिरंगे एग्स रखता था। दूसरी होती है टूथ फेरी, जो अपनी और भी बहुत सारी नन्ही परियों की मदद से बच्चों के टूटे हुए दांत उनके तकिए के नीचे से कलेक्ट करती थी, जिनमें उन सारे बच्चों की यादें भी होती थी। और तीसरा होता है सैंडमैन, जिसका काम था उन बच्चों को सुनहरे और अच्छे सपने दिखाना, जो उन्हें अपनी जिंदगी में सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करती है। सैंटा उन सबको बताता है कि शायद कोई बड़ा खतरा उन पे आने वाला है, क्योंकि उसने पिच ब्लैक को देखा है और वो शायद फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तभी उनके पास चांद की रोशनी पड़ती है, जिसमें उन्हें जैक फ्रॉस्ट की परछाई दिखाई देती है। चांद उन सबको एक नया गार्डियन दे रहा था। जैक फ्रॉस्ट को देखकर बनी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और स्वार्थी लड़का है और वो एक गार्डियन बनने के लायक नहीं है। पर सैंटा उससे कहता है कि अगर चांद ने इसे गार्डियन बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। आगे हम जैक फ्रॉस्ट को देखते हैं, जो अपने स्नो पावर से लोगों के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसे इस काम में बहुत मजा आता था। वो सर्दियों में अपना सारा समय ऐसे ही गुजारा करता था। उसे बस इस बात से परेशानी थी कि कोई भी बच्चा जैक फ्रॉस्ट पे बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता था। वो वहीं खेल रहे जिमी नाम के एक लड़के को अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश करता है। जिमी अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने लगता है। जैक फ्रॉस्ट उसे वहाँ शहर में बर्फ की स्लाइडिंग भी करवाता है, जिसमें उसे बहुत मजा आता है। पर वो ये नहीं समझता कि ये सब जैक फ्रॉस्ट की वजह से हो रहा है। जैक उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो रात में चांद से बातें कर रहा था कि उसने उसे क्यों बनाया, उसका मकसद क्या है। तभी वो देखता है कि सैंडमैन की सुनहरी रोशनी बच्चों को सुनहरे सपने देने आ गई है। वो थोड़ा खुश हो जाता है। वहाँ के बच्चे सपने देखने लगते हैं। तभी ब्लैक पिच आकर उनके सुनहरे सपने को एक नाइटमेयर में बदलने लगता है। वो अपनी काली शक्तियों को हर जगह फैला देता है और उन सारे सुनहरे सपनों को नाइटमेयर में बदलने लगता है। जैक को वहाँ शहर में उस दिन बनी मिलता है और उसके आदमी जैक को पकड़कर एक मैजिकल पोर्टल के थ्रू नॉर्थ पोल ले आते हैं। वहाँ उसे बाकी के गार्डियंस मिलते हैं। सैंटा उसे बाकी सभी गार्डियंस से इंट्रोड्यूस करवाता है। सैंटा उसे बताता है कि चांद ने उसे गार्डियन बनाया है, पर जैक फ्रॉस्ट उनसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो एक गार्डियन बनने लायक है, क्योंकि उसे डिसिप्लिन में रहना और लोगों के ऑर्डर फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो लोग उसे बताते हैं कि कैसे उन पर ब्लैक पिच का खतरा बढ़ गया है और उसे खुद चांद ने गार्डियन चुना है, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। सैंटा उसे वहाँ की बाकी सभी चीज़ों की जानकारी देने लगता है। तभी बनी उनके पास आकर बताता है कि टूथ पैलेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो सारे सैंटा के स्लेज में बैठकर टूथ पैलेस तक पहुँचते हैं। वहाँ ब्लैक पिच के नाइटमेयर सारी नन्ही परियों को कैद करके ले जा रहे होते हैं। किसी तरह जैक फ्रॉस्ट एक नन्ही परी को बचा लेता है। टूथ फेरी उन्हें बताती है कि उन लोगों ने बहुत देर कर दी। वो वहाँ की सारी परियां और वहाँ रखे सारे बच्चों के टूथ्स को चुरा कर ले गया। तभी वो लोग वहाँ ब्लैक पिच को देखते हैं, जो उनसे कहता है कि एक वक्त हुआ करता था जब लोग उससे डरते थे और उसे अपने आसपास महसूस करते थे, पर एक दिन चांद ने उन गार्डियंस को वहाँ भेजा उसका डर खत्म करने के लिए। उन्होंने लोगों के दिलों में आशा जगाई और उन्हें उम्मीद दिया, और उसके बाद से वो सारे ब्लैक पिच को एक बुरा सपना समझकर भूल गए। पर अब सब बदलेगा, उन्हें फिर से डर का एहसास होगा और उनके दिलों से वो गार्डियंस को निकाल फेंकेगा। और ये अब होना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि जब उन बच्चों के टूथ्स को लेने कोई परी नहीं जाएगी तो उन सबका टूथ फेरी से भरोसा उठ जाएगा और वो लोग उसे भूल जाएंगे। और अगर सबने भरोसा करना छोड़ दिया तो उनकी सारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ना ही कोई क्रिसमस होगा और ना ही कोई ईस्टर होगा, तो सिर्फ अंधेरा और उसका डर। सारे गार्डियन उस पर हमला करने लगते हैं, पर वो वहाँ से भागने में सफल रहता है। टूथ फेरी अपनी नन्ही परियों के पकड़े जाने से बहुत उदास थी। जैक उससे पूछता है कि ब्लैक पिच टूथ चुरा कर क्या करना चाहता है। टूथ फेरी उसे बताती है कि बात सिर्फ टूथ्स की नहीं है, इनमें उन बच्चों की यादें हैं। वो अपनी परियों के साथ उन बच्चों पर नजर रखती है
और कभी भी उनकी लाइफ में अगर उनके बचपन की मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें वो यादें देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास सबकी यादें रहती है, यहाँ तक कि जैक की भी यादें उनके पास थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी भी एक जिंदगी होगी तुम्हारी जैक फ्रॉस्ट बनने से पहले की। जैक फ्रॉस्ट अब किसी भी हालत में अपनी पुरानी लाइफ के बारे में जानना चाहता था। तभी टूथ फेरी के कुछ पंख झड़ने लगते हैं, शायद लोगों का उससे विश्वास उठता जा रहा है। सेंटा सबको आइडिया देता है कि वो खुद जाकर सारे टूथ्स को कलेक्ट करेंगे और वो सारे गार्डियन निकल पड़ते हैं टूथ कलेक्ट करने। वो सब जल्दी जल्दी सारे बच्चों के तकिए के नीचे से उनके टूथ्स को लेने लगते हैं और उसके बदले में कोई ना कोई गिफ्ट्स रखने लगते हैं। पर जब वो लोग जिमी के घर में उसके टूथ्स लेने जाते हैं तो वो जाग जाता है और वो वहाँ सबको देख सकता था सिवाय जैक के, क्योंकि वो उस पर बिलीव नहीं करता था। पर तभी जिमी का डॉग बनी पे झपटने लगता है। सैंडमैन उसे वापस से सुलाने की कोशिश करता है पर इसमें उनके साथ साथ बनी, सेंटा और टूथ फेरी भी सो जाते हैं। तभी जैक को वहाँ ब्लैक पिच दिखाई देता है, वो उसके पीछे भागता है। सैंडमैन भी उसके साथ ही जाता है। इधर जिमी की छोटी बहन सेंटा का मैजिकल पोर्टल से कहीं चली जाती है। जैक ब्लैक पिच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सैंडमैन उसके नाइटमेयर को सुनहरे ड्रीम में बदल रहा होता है। तभी ब्लैक पिच उन्हें दिखाई देता है, वहाँ उसके बहुत से नाइटमेयर्स भी थे। वो सब एक साथ उन पे हमला कर देते हैं। तब तक बाकी के गार्डियंस भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब उन नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं पर ब्लैक पिच अपनी पावर की मदद से सैंडमैन को एक नाइटमेयर में बदल देता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता है, पर वो अपने पावर से ब्लैक पिच के सारे वार को नाकाम कर देता है। सारे गार्डियन सैंडमैन को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। इन सब के लिए जैक अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है पर सेंटा उनसे कहता है कि तुमने तो उन सबको बचाया है। वो सारे देखते हैं कि वहाँ ग्लोब से कुछ लाइटें बंद होने लगी है। बनी उनसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि कल ईस्टर है और वो सबके पास एग पहुँचा देगा जिनसे उनका बिलीव उन पर बना रहेगा और ब्लैक पिच चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा। बनी उन सबको लेकर अपने महल में जाता है पर उन्हें वहाँ जिमी की छोटी बहन मिलती है जो मैजिक पोर्टल से वहाँ आ गई थी। बनी उसे फिर से सुला देता है और जैक उसे वापस रखने के लिए उसके घर में जाता है। उसके साथ एक नन्ही परी भी होती है। जब वो वापस आ रहा होता है तो जैक को कोई उसका नाम लेकर आवाज़ दे रहा था। वो उस आवाज़ का पीछा करता है, वो एक बहुत गहरे सुरंग तक पहुँचता है। आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी, वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उसे वो सारी नन्ही परियाँ बंद मिलती है जिसे ब्लैक पिच ने कैद करके रखा हुआ था। वहाँ बहुत से टूथ्स भी थे और उन्हीं में से वो आवाज़ आ रही थी। वो अपने नाम का टूथ्स को वहाँ ढूंढने लगता है। तभी ब्लैक पिच वहाँ आता है और उसे उसका टूथ दिखाता है। जैक उसके पीछे पीछे भागने लगता है, वो उसे उसका टूथ दे देता है। वहाँ वो एक सुरंग तक पहुँचता है जहाँ सारे ईस्टर एग्स टूटे पड़े थे। वो वहाँ से बाहर निकलता है, वहाँ उसे बाकी गार्डियंस मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था, नाइटमेयर्स ने उनके टनल पर हमला किया और सारे एग्स को बर्बाद कर दिया। जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक पिच के साथ था तो वो लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उससे कहते हैं कि जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो वहाँ से गायब था। जिमी और उसके दोस्तों को जब ईस्टर एग नहीं मिलते हैं तो वो लोग मान लेते हैं कि गार्डियन होते ही नहीं हैं। जिमी उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, पर कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। सब अपने घर वापस चले जाते हैं। जैक भागकर अंटार्कटिका आ जाता है, वहाँ भी उसे ब्लैक पिच मिलता है जो उससे कह रहा था कि वो गार्डियंस तुम्हें कभी भी अपना नहीं मानेंगे, वो उसके साथ मिल जाए। फिर सब लोग ब्लैक पिच और जैक फॉरेस्ट को जानने लगेंगे पर जैक कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उसे डर के मारे जाने और वो वहाँ से जाने लगता है। पर ब्लैक पिच एक नन्ही परी को मारने की धमकी देता है और उससे उसका स्टिक मांगता है। जैक उसे अपना स्टिक दे देता है। स्टिक मिलते ही वो उस परी को दूर फेंक देता है और उस स्टिक को तोड़ देता है। वो जैक पर हमला करके उसे वहाँ एक खाई में फेंक देता है और उसका टूटा हुआ स्टिक भी वहीं फेंक कर चला जाता है। कुछ देर बाद जैक की आँख खुलती है, वो देखता है वो नन्ही परी वहीं गिरी पड़ी है। वो उसे उसके जेब से उस टूथ को निकालने को कहती है। उसे छूते ही जैक को उसकी पुरानी ज़िंदगी दिखाई देने लगती है। उसकी एक छोटी बहन थी, वो दोनों एक दिन खेल रहे होते हैं। तभी उसकी बहन के नीचे का बर्फ टूटने लगता है। वो किसी तरह वहाँ पड़ी एक छड़ी की मदद से उसे बचा लेता है पर वो खुद वहीं तालाब में डूब जाता है। तब उसे समझ आता है कि उसे चांद ने एक गार्डियन क्यों बनाया, क्योंकि उसने अपनी जान पे खेलकर अपनी बहन को बचाया था। वो वहाँ पड़ी अपनी टूटी स्टिक को उठाकर फिर से जोड़ने लगता है और उसकी पावर से वो फिर से जुड़ जाती है। वो वहाँ से डायरेक्ट उन सभी नन्ही परियों को छुड़ाने पहुँचता है। वो उनके पिंजरे को खोल देता है पर वो सब उड़ नहीं पा रही थी, उनकी पावर शायद खत्म हो रही थी क्योंकि वहाँ रखे ग्लोब की सारी लाइटें अब बंद हो रही थी और अब मात्र एक लाइट बची हुई थी, ये जिमी था। जैक तुरंत उसके पास पहुँचता है। वो देखता है कि जिमी एक बनी टॉय से बातें कर रहा है कि उसके सारे दोस्त समझते हैं कि बनी एग्जिस्ट नहीं करता है। तब जैक वहाँ बर्फ का एक बनी बनाकर उसकी तरफ भेजता है जिसे देखकर जिमी बहुत खुश हो जाता है, पर वो बनी टूटकर छोटे छोटे स्नो में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये बनी नहीं बल्कि जैक फ्रॉस्ट है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो जैक को देख सकता है। जैक भी बहुत खुश हो जाता है कि
कि पहली बार किसी ने उसे देखा। वो उसे बताता है कि सारे गार्डियंस रियल होते हैं। तभी जैक देखता है कि बाकी के गार्डियंस भी वहां आ गए हैं, पर वो सब अब पावरलेस हो चुके हैं। बनी भी अब एक छोटा सा बनी बन चुका है। तभी ब्लैक पिज वहां आता है। जैक उस पर हमला करने लगता है, पर बहुत जल्द वो उससे हार कर नीचे गिर जाता है। ब्लैक पिच उन सबको मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। तब जिमी जैक से कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। जैक को अपनी बहन की याद आती है। वो जिमी से कहता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो एक स्नोबॉल उसके ऊपर फेंकता है, जिसे देखकर जिमी हंसने लगता है। जैक उसे लेकर उसके बाकी सभी दोस्तों को भी अपने ऊपर बिलीव करवाता है। अब जिमी के दोस्तों को भी वो सारे गार्डियन नजर आ रहे थे, पर ब्लैक पिच अब भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो उनसे कहता है कि वो सब मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते। तब जिमी और उसके सारे दोस्त आगे आते हैं और कहते हैं कि वो इन्हें बचाएंगे, क्योंकि वो उससे नहीं डरते। ब्लैक पिच उन पर हमला करता है, पर जिमी के उसके छूते उसकी काली शक्तियां सुनहरे लाइट्स में बदल जाती है, और उन सारे गार्डियंस की पावर फिर से वापस आ जाती है, और वो सारे मिलकर उसके सारे नाइटमेयर्स को खत्म करने लगते हैं। ब्लैक पिच जैक पे हमला करता है। तभी एक सुनहरी रस्सी उसे अपनी ओर खींचती है। ये सैंडमैन होता है, जो वापस आ चुका था। वो ब्लैक पिच को वहीं ऊपर उछाल कर नीचे पटक देता है। ग्लोब की लाइट फिर से एक एक करके जलने लगती है, और सैंडमैन के सुनहरे सपने फिर से सबको खुशी देने लगते हैं। ब्लैक पिच के नाइटमेयर अब उसी पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि अब वो बहुत डरा हुआ था। वो सारे नाइटमेयर्स उसे खींचकर उसी अंधेरी गुफा में फिर से बंद कर देते हैं। जैक और सारे गार्डियंस उन बच्चों को बाय बोलकर वापस चले जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।